हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे शाही दम आलू। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने करीब आधा किलो आलू लिया है, जो बिल्कुल एक ही साइज़ के हैं। हम ज़्यादा नहीं बड़ा आलू लेंगे, ना छोटा, मीडियम में लेंगे। और हम इसे अच्छी तरह धो करके छील लेंगे और इसे हम उबाल लेंगे। हम ज़्यादा आलू को नहीं उबालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा 10-15 मिनट तक ही उबालेंगे, आधा ही उबालेंगे। ज़्यादा उबल जाएगा आलू तो आलू फट जाएगा। तब तक हम मसाले तैयार कर रहे थे। मसाले में हमने 3 टमाटर, काजू, अदरक, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और गरम मसाला लिया है। इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। देखिए आलू भी उबल गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च और हम आलू को सारे कोट कर लेंगे मसाले में। सारे आलू को हमने मसाले में कोट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, गैस पर चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। उसमें तेल डालेंगे, तेल भी गर्म हो गया है। अब हम आलू को सेलो फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू को हमने सेलो फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आलू का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सुनहरा हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर दोबारा हम यही प्रोसेस करेंगे। जो बचा हुआ आलू था उसे भी हम भून लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। फिर वही कढ़ाई में जो तेल बचा था, हमने और तेल नहीं डाला है। फिर हम उसमें हम डालेंगे खड़ा गरम मसाला, जीरा, खड़ा जीरा और 2 लाल मिर्च जिसे हमने टुकड़ा कर लिया है। और उसमें हम डालेंगे मसाले जो हमने पेस्ट बना करके रखे थे, टमाटर और काजू वाली। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारा ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाले जब भून जाए तो इसमें हम डालेंगे सूखी मसाले, सूखा मसाला, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर। और सारे मसाले को हम भून लेंगे मिला के। सारे मसाले जब भून जाए तो इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, हमने दूध वाली मलाई ली है। और इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए आधा कटोरी करीब पानी। आप अपने अनुसार ग्रेवी ज़्यादा या कम रख सकते हैं। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो हम सारे आलू को इसमें डाल देंगे ग्रेवी में। सारे आलू हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम करीब 10-15 मिनट तक ढक देंगे ताकि आलू में मसाला सारा अच्छे तरह से मिल जाए। पंद्रह मिनट के बाद देखिए सब्जी का कलर कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। ग्रेवी भी इसका बहुत एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल ढाबे स्टाइल में हमने बनाया है ये। आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। हमने इसमें ना ही लहसुन प्याज का यूज किया है। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।